हेलो गाइस व्हाट्सअप, आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ मोयो मेलोंग 5x5। और पहले फटाफट इसको इसमें से निकाल लेते हैं। और ये रहा हमारा क्यूब, और ये एक और इसमें बंद है, इसको खोलते हैं। तो ये रहा हमारा क्यूब, ये देख सकते हैं मोयो का, ये 5x5 रूबिक्स क्यूब है। इसको यहाँ पे इसमें ब्लैक है, इसमें ये स्टिकर लेस मंगवाया मैंने। और इसको पहले डब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। इसमें एक आ जाती है ये सॉल्व आ जाता है इसके साथ। अच्छा सही है, अच्छी है, देखेंगे। और ये हमारा आ गया क्यूब, ये रहा हमारा क्यूब। डब्बे से निकालते साथ ही मुझे एक चीज़ लगी कि ये छोटा है ज़रा। अगर मैं इसको 4x4 से कंपेयर करूं तो ये आपके सामने ये देख सकते हैं, ये बड़ा और छोटा है, साइज़ भी बहुत छोटा है इसका। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये लगी, छोटा है, 4x4 बड़ा है। और अगर इसकी हम मूव्स की बात करें, मूव्स इसकी बहुत अच्छी, मज़ेदार, नरम सा क्यूब है। और अगर इसके हम, अच्छा अगर इसकी कलर स्कीम की बात करें, मैच करें इसको मोयो के कलर क्यूब से। और इसको अगर हम मैच करें, ब्लू लाइट है, ये रेड सही है, और ग्रीन लाइट है, लाइट कलर में ज़्यादा अच्छे लगे। ये इधर इतना नहीं है, थोड़े से इसकी ना वो मैट सा है। जब ये भी आया था तभी ये मैट था, अभी ये प्लास्टिक हो गया, आराम से शाइनी हो गया, पहले ऐसा मैट था। और अगर इसकी हम टर्न्स की बात करें तो बहुत स्मूथ है। और वहीं जब हमने ये 4x4 मंगाया था, इतना सख्त है कि जैसी हद नहीं। वेट भी बहुत ये है, वेट लेस है ये तो बहुत ही। मैं अपना रिव्यू दूँ तो ये बहुत स्मूथ है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरा फर्स्ट 5x5 है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा दराज से। और अगर ये आप भी चाहते हैं तो आप भी ये ले सकते हैं, बहुत मज़ेदार सा क्यूब है। आपको इसके कोई सवाल है क्यूब के हवाले से तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।